तो भाई मोनिका को डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट के लिए बोला है, और आज दही जमाने की जिम्मेदारी है मेरी। दही कैसे जमाना है, कौन से बर्तन में जमाना है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज से पहले दही जमाती थी मोनिका। लेकिन फिलहाल मोनिका को मिल रहा है फुल बेड रेस्ट, और मोनिका की सेवा में हाजिर है जितेंद्र जी के महात्मा जी। तो भाई आज हमें मोनिका बताई दही कैसे जमाना है, किस बर्तन में जमाना है। बस मैं मोनिका को फॉलो करूंगा और आज दही जमा के देखते हैं, सुबह उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, दही कैसा जमता है कैसा नहीं जमता। लेकिन भाई जमाना तो पड़ेगा। हाँ तो मोनिका बताइए कैसे क्या करना है। गड़वा है जो इधर है, खोलोगे बर्तनों का सबसे लेफ्ट वाला, उसमें एक गड़वा आएगा मीडियम साइज वाला, छोटे वाला से वो गड़वा लेना, और जो बीच वाला है खोलोगे, उसमें एक बड़ा चमचा है, दूध उससे निकालोगे तो गिरेगा वो, तो दूध पतीले में से दूध उस गड़वे में भर लो पूरा। पूरा हाँ, और फिर मेरे को एक बार ऐसे दिखा दो कि कितना गर्म है, तो वो खट्टा देने लायक है या नहीं। ओके मैं करता हूँ। और भाई ये देखिए, बेबी बेबी निन्नी कर रहा है बेबी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो भाई ये है प्यारा सा छोटा सा किचन, आप सभी ने कभी ना कभी इसे वीडियो में जरूर देखा होगा, आ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं भाई, काम करने के लिए हमने मेड रखी हुई है, सुबह शाम वो पोछा लगाती है, खाना बनाती है, सारे बर्तन करती है। मोनिका को जो भी चाहिए, दाल चावल खिचड़ी दलिया, वो सब बनाती है। लेकिन वो ये सब काम करके चली जाती है 8 बजे, लास्ट है रात को 8 बजे तक वो अपना काम फिनिश करके चली जाती है। उसके बाद मोनिका को कुछ भी चाहिए, चाय चाहिए, गर्म दूध चाहिए या कुछ भी, वो सब मेरे को हैंडल करना होता है। और भाई घर से कोई आ नहीं सकता, मम्मा है और मम्मा वैसे ही ट्रेवल नहीं कर सकती, और घर पे गाय भैंस भी है, उनको भी देखना होता है, तो मम्मा वैसे नहीं आ पाए। ये सिस्टर है, सिस्टर के पास भी एक बच्चा है दिशांत की उम्र का, डिम्पल नाम है, वीडियो में आपने कभी देखा भी होगा, नहीं आ पाएगी खास तौर पे, वो आ भी जाए, लेकिन ये कोरोना है ना, कोरोना ने सबको बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसमें मैं भी हूँ भाई। तो ना तो मोनिका को घर भेज सकता हूँ, ना घर से कोई आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके मोनिका की केयर कर सकता हूँ, उसकी जो भी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर सकता हूँ, उसके लिए चाय बना सकता हूँ, उसके लिए कॉफ़ी बना सकता हूँ, जूस बना सकता हूँ, दूध गर्म करके दे सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो भाई दाल रोटी भी मैं बना सकता हूँ। लेकिन इतनी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास मेड है, बहुत अच्छी मेड है, टाइम पे आती है, अपना सारा काम फिनिश करके चली जाती है। अभी मोनिका ने बोला बड़ा गटवा लेने के लिए, तो शायद ये एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये वाला इससे छोटा है। देखो भाई फर्स्ट मिस्टेक ये कटवा नहीं है। अरे यार वो तो मैंने पानी डाल के रख दिया उधर, वो रखा तो जितना आप लोग खा सको उतना दूध भर के देगा, ठीक है, फिर उसमें ही डाल दो, उसमें खा लो, पूरा फुल नहीं भरना ना, फुल नहीं भरना, इतना सब खा लो, बड़ा ठीक है। तो भाई यही गड़वा हम यूज करेंगे, और दूध यहाँ पर है, दूध पहले ही गर्म हो चुका है, इसमें से कुछ दूध हम निकाल कर इसमें डाल लेंगे, और चमचा भी है नहीं, दूध डालने के लिए कहाँ बताया था। वो यहाँ पर बर्तन है, यही है चमचा, टाइम से मैं बलवान होता भाई, पता नहीं कब हाथ में क्या पकड़ा दे, फिलहाल मेरे हाथ में चमचा। ये देखिए भाई दूध के अंदर मलाई, अच्छी है ना मलाई, पैकेट का दूध भाई हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, पहले कभी यूज करते थे, लेकिन अभी हम भैंस का दूध यूज करते हैं,
और ये दूध हमें मिलता है 60 रुपए लीटर। दूध काफी अच्छा मिलता है, लेकिन कभी कभी दूध ही इसमें भी गड़बड़ कर देता है, 3-4-5 दिन में ना एक बार गड़बड़ कर ही देता है। हालांकि मैंने उसको सख्त हिदायत दे रखी है, भाई दूध मुझे बिल्कुल टिप टॉप चाहिए, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी और जितने भी दूधिया इस एरिया में आते हैं उन सभी से तो हमारा दूधिया बहुत अच्छा है। शायद इतना काफी रहेगा, पर मैं मोनिका से कंफर्म कर लेता हूँ। और भाई अगर आप लोगों ने भी दही कभी जमाया हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना मेरे भाई। अब इसको वॉश करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी मैं इसको ना ऐसे ही रख देता हूँ, ये रुकेगा नहीं, तो इसको इसमें डुबो देता हूँ। और ये मैं मोनिका से कंफर्म कर लेता हूँ इतना काफी है या ज्यादा। थोड़ा सा ठंडा है और गर्म करना पड़ेगा, इसी को गैस पे रख दो, फिर गैस ऑन कर दो। अच्छा हाँ मैं बताऊंगी, और मैं बोलूं जब बंद कर देना गैस, फिर इसको हाथ नहीं लगाना, इसको उस गैस के ऊपर ही रखा है 2 मिनट के लिए। दूध भाई ठंडा हो चुका है, मोनिका बोल रही है दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। इसी को गैस पर रखकर फुल वाली गैस चला दो, मैं वो भी जब गैस बंद कर। टेक्नोलॉजी देखिए भाई, पहले हम लाइटर से लगे रहते थे कट 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 कट, अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, इसको दबाइए स्विच ऑन कीजिए। फक मित्र भाई और बहनों, यह तेज अमीर जवानों का बेलो का बंद हो गया भाई। हाँ हो गया बंद। अच्छा ओके ओके ओके, ये है भाई खट्टा, आधी चम्मच डालना है ना। इतना ले लिया भाई, ज्यादा गिर गया तो खट्टा भी हो जाएगा दही, ठीक है ना। मोनिका ने आधी चम्मच से जरा सा कम बोला और वही मैं कर रहा हूँ। अगर फिर भी दही खट्टा है या खट्टा बनता है तो मेरे को मत बोलना मेरे भाई, मेरे को तो जैसा बोला जा रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। अब इसको मिला इसे रख देते हैं सिंक में, और हमारा काम हो गया इसे भी सिंक में रख देते हैं। और भाई जाली का ढक देते हैं और इस दूध को भी बाउल से ढक देते हैं। ओके इसका क्या करना है, तो भाई इसे सिंक में रख देते हैं पानी डाल के। ये बर्तन जितने भी हैं सुबह काम वाली आएगी वो अपने आप साफ कर देगी, उसकी कोई भी टेंशन नहीं है। और जो भी दही जमेगा उसमें से नेक्स्ट डे के लिए इसमें फिर से दही डाल दिया जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट डे हम यूज कर सके फिर से दही जमाने के लिए। तो फिलहाल मैंने इसमें खट्टा डाल दिया है और कुछ देर बाद इसे बाहर रखने के लिए जैसे भी मोनिका बोलेगी मैं कर दूंगा। तो कुल मिला के दही अपना जमने के लिए तैयार है, बस इतना ही था। हाँ टाइम भाई आप देख रहे हैं 11 बजने को है, और अभी तो मोनिका को चाय पीनी है, दूध पत्ती चाय कम दूध, वो भी मैं ही बनाऊंगा, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर कभी बना के आपको दिखा दूंगा। जो है 8:30 होने को है और दूध देख लेते हैं जो हमने दही जमाया था वो जमा या नहीं। नहीं जमा भाई, बिल्कुल भी नहीं जमा। ये सारा दूध वेस्ट हो गया है। दही जमाने का पूरा प्रोसेस मोनिका ने बताया, मोनिका जमाती है तो बहुत अच्छे से जमता है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो। कहने का मतलब ये भाई आज दही नहीं मिलेगा खाने में, लेकिन दही में जो हमने खट्टा डाला था वो फिर सारा सिंक में डाल दिया था,
अब नेक्स्ट टाइम दही जमाने के लिए खट्टा भी नहीं है, गांव में आम भाषा में बोलते हैं जामन। ये भाई वो भी पड़ोसियों से लाना पड़ेगा और मुझे ही लाना पड़ेगा, चलो देखते हैं। लेकिन फिलहाल अपना दही नहीं जमा, मिशन फेल हो गया मेरे भाई। चलो नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।